नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम आपको ले चल रहे हैं नैनीताल के जू में। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, हमसे और आपसे ज़्यादा एक्साइटेड, ज़्यादा फुर्ती से ये छोटी सी बच्ची मिष्ठी जा रही है। अरे इधर क्या देख रही हो, चलो आगे। आप खूबसूरत वादियों को भी देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। एक पहाड़ों पे एक जू बसाना आसान काम नहीं है। और देख सकते हैं आप, एक्साइटमेंट ओवरलोडेड। अरे गिर मत जाओ, चलो 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 चलो। अरे चलने को बोला, दौड़ने को नहीं, थक जाओगी। तो आप देख सकते हैं, हम बादलों के बीच में जैसे थे, कुछ इस तरह का वह सफ़र था। और हम आपको ले चलते हैं जू के अंदर और आपको दिखाते हैं एक से एक बढ़िया खूबसूरत जानवर। तो मिष्टी एज ऑलवेज हमसे पहले ही हर जगह पहुंच रही है और दिखाते हैं हम आपको एक खूबसूरत सा हिरन। ये देखिए, पहाड़ की वादियों में एक खूबसूरत सा हिरन। और आप अब देखिए, शिकारी जानवरों में मशहूर गुलदार का आप विवरण देख रहे थे। और ये देखिए, जब भी हमारे जहन में शिकारी जानवरों की बात आती है तो हमारे अंदर जो सबसे पहले नाम का ख्याल आता है वो आता है शेर का। उसके बाद अगर किसी का नाम आता है हमारे जहन में तो वो यही जानवर है जिसे हम बाघ नाम से जानते हैं। और ये देखिए, एट फुल एटीट्यूड में फुल पोज, ऐसा लग रहा था जैसे रिकॉर्डिंग के लिए बैठा हो। भाई रिकॉर्ड कर लो। ओके बॉस, रिकॉर्ड कर लिए हैं आपको और हमारे व्यूअर्स आपको देख भी रहे हैं। शिकारी वहाँ से चल दिया, अब हम भी चलते हैं अपने आगे की सफ़र की तरफ। तो दोस्तों, हम अब आपको आगे दिखाते हैं एक खूबसूरत सा हिरन। एक नहीं, सॉरी दो, इतने प्यारे प्यारे हिरन। वाव, एक तो नैनीताल की छटाएं, दूसरा ये खूबसूरत हिरन, अद्भुत नज़ारा। और अब हम आपको दिखाते हैं जंगली बकरा, जो कि यहाँ पे भी है। और ये है ऑस्ट्रेलियन मोर, इस चिड़िया घर की शान। ऑस्ट्रेलियन मोर को यहाँ पे लाकर रखा गया है और बेहद ही खूबसूरत। देखिए ईश्वर ने क्या खूब बनाया है इन्हें, ऐसा लगता है ऐसे इनके रोम रोम में नक्काशियाँ भर दी हो भगवान ने। और ये देखिए, पहचानते तो होंगे इसे, मिष्टी। मिष्टी फुल एक्साइटेड हा? अच्छा, ऑस्ट्रेलियन मोर देखने के लिए इतना एक्साइटेड हो, ये बात हाय कर रही हो, वाओ ब्यूटीफुल, फुल एक्साइटमेंट और फुल जोश के साथ। मोर को देखने के बाद हम अब चलते हैं अपने आगे के सफ़र पे और हम आपको दिखाते हैं आगे सांभर। और ये भी एक हिरन की तरह ही होता है, सांभर डियर इसे कहते हैं। और ये रहा सांभर, कितना खूबसूरत नज़ारा है, दो सांभर एक साथ इंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ा सा कैमरा का फोकस हटने की वजह से हम अपना दूसरा सांभर नहीं दिखा पाए जो कि दूसरे साइड था। ये रहा आपके सामने और इसी के साथ में है एक और सांभर। मतलब अभी तक हम लोग कुल चार सांभर देखे, बाकी और सांभर अंदर होंगे ही होंगे। और आप अब देख रहे हैं तेंदुआ को। शिकारी जानवरों में अगर किसी को सबसे सातिर माना जा सकता है तो वह तेंदुआ ही है, क्योंकि यह पेड़ों पर चढ़ भी सकता है और ज़मीन पर रह भी सकता है। ऐसे जानवर तो आपको दोहरा खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि ये पेड़ से भी हमला कर सकते हैं, ज़मीन से भी हमला कर सकते हैं। तो हम जिन जिन जानवरों को अभी देखे, जिनका हम वीडियो नहीं बना पाए, उनका पूरा विवरण ये रहा। आइए आप विज़िट करिए नैनीताल। नैनीताल जब आप विज़िट करिए तो इस जू में ज़रूर आइए। जू के स्टार्टिंग में ही एक बैनर लगा हुआ है, सेव वाइल्ड लाइफ। इस पे जो हम जंगली जानवरों को मारते हैं उनकी स्किन के लिए, उनके खाल के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, हमें वो
बंद करना चाहिए, क्योंकि वह भी एक जीव हैं, उनकी भी जब खाल निकाली जाती है तो उन्हें दर्द होता है। वो अफसोस अलग बात है कि उन्हें मार के निकाला जाता है, पर दर्द उन्हें भी होता है साहब। ये आप देख रहे हैं खूबसूरत सा बंदर। मेरे साथी लोग कह रहे थे कि मत निकालो मोबाइल, मोबाइल छीन के भाग जाएगा, पर मुझे लगा कि इतनी खूबसूरत भगवान की बनाई आकृति है तो इसको कैमरे में कैद करना ज़रूरी है। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।